तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले प्लास्टिक चेयर फैक्ट्री जॉब इन कोलकाता। देखिए दोस्तों प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी रिक्वायरमेंट्स अब आने लगे। सपोज कोलकाता में लॉकडाउन अभी है, 15 जुलाई तक है हमें पता है, लेकिन जो वैकेंसी जाता है उसका एक्सप्लेनेशन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों लोकल ट्रेन अभी बंद है लेकिन अभी बस चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। और जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट्स आता है उसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल सके जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लेनेशंस करते हैं और जो भी डिटेल्स हमें आता है वो हम आपके साथ में डिटेल्स शेयर करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और ऑलमोस्ट सभी वीडियोज में रहता है, अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग पे विजिट नहीं किए जाइए, देखिए उस पर ऑलमोस्ट लेटेस्ट पोस्ट आते रहते हैं, बेनिफिट्स आपको यही होंगे। आप जाके देखिएगा, पोस्ट पढ़िएगा, हिंदी एंड इंग्लिश सभी में मेंशंस होता है, आपको ज्यादा नॉलेज मिल पाएगा। उसमें कंपनी के तरफ से जो भी डिटेल्स आता है उसमें हम फुल्ली शेयर करते हैं, आप जाके जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक एंड नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट्स आता है वो आपको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में हमेशा आता रहता है, और बिस्कुट फैक्ट्री ये सब लाइंस में हमेशा आता रहता है। देखिए जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं हम फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, उसमें कोई हाई लेवल के मतलब इंटरव्यू नहीं होते, कोई हाई लेवल के एग्जाम्स नहीं होते, कुछ नहीं होते एग्जाम्स, एंड जो आपका मतलब सिस्टमिक होता है एजुकेशन लेवल का कुछ नहीं होता। अगर आप अनपढ़े लिखे लोग हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दोस्तों बात की जाए ये जॉब के बारे में तो डिटेल्स हम देते हैं। देखिए ये प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें आपका पोजीशन होने वाला है, प्रोडक्शन हेल्पर का होने वाला है, मशीन हेल्पर का होने वाला है, और जो आपका मतलब हेल्पर्स लाइन का होने वाला है, थोड़ा मोड़ा आपको क्लीनिंग भी उस इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा। मिक्सिंग हेल्पर्स, सपोज मिक्सिंग हेल्पर की हम बात कर रहे हैं तो मिक्सिंग हेल्पर मतलब मिक्सिंग काम आपका होने वाला है। इसमें आपका जो प्रोडक्शन हेल्पर ये सब काम होने वाला, ड्यूटी आपकी होने वाली 26 ड्यूटी तो है लेकिन 12 आवर्स की शिफ्टिंग रहेगी। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जितना भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं 12 आवर्स की शिफ्टिंग होती ही होती है, अगर 10 आवर्स या फिर 9 आवर्स का बोला जा रहा है तो 10 आवर्स का शिफ्टिंग भी कोई कोई में होता है, लेकिन 8 आवर्स की शिफ्टिंग किसी में भी नहीं होती है। तो अगर 8 आवर्स की शिफ्टिंग भी होती है तो उसमें सैलरी बहुत ही लो लेवल के होते हैं, 5000 से 4000 4500 ऐसे होते हैं जो हम रिकमेंड नहीं करते। और दोस्तों बात की जाए इसमें फॉर मेल कैंडिडेट हम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फीमेल का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए फीमेल डोंट टॉकिंग अगेन फॉर एचआर, आप एचआर को टॉकिंग कीजिए ही मत, क्योंकि दोस्तों पता है आपको अगर आपका मतलब जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को अगर आप पार करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन इसमें तो कुछ रिक्वायरिंग नहीं, लेकिन आप एलिजिबिलिटी को पार करते हो तो ये अच्छी बात नहीं हो। दोस्तों बात की जाए सैलरीज की तो सैलरीज इसमें मिलने वाले 11,250 रुपये मिलने वाले, प्लस पीएफ आए, प्लस ईएसआई, प्लस बोनस है। और जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जो मतलब कैंटीन एंड रूम का फैसिलिटी है वो इसमें भी है, रूम फ्री है, कैंटीन का चार्जेबल है। जो आप कोई भी वीडियोस में अगर हमारे न्यू मतलब ऑडियंस हो, न्यू व्यूअर्स हो, तो आपको पता नहीं होगा लेकिन आप जाके पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं, सपोज सभी पता चल जाएगा। इस जॉब को करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एंड ब्लॉग पे विजिट कीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ये जॉब नहीं चाहिए, 8 आवर्स की ड्यूटी चाहिए, रूम एंड फूड फ्री जॉब चाहिए, तो आप ब्लॉग पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक एंड नेम डिस्क्रिप्शन में मेंशन हमने किया है। ओके दोस्तों।